आप पूछ रहे हो कि मैं एक्साइटेड हूँ. जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड ये ब्यूटीफुल लहंगा और दिवाली की आप सबको भी शुभकामनाएं. जी बिल्कुल, मैं प्रियंका चोपड़ा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो भी बरेली से हैं, मैं भी बरेली से हूँ, मेरा होम टाउन भी बरेली है. सो बिल्कुल, उन्होंने वर्ल्ड को, कंट्री को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी वो उन्होंने बहुत नाम कमाया. मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं उनके जैसा ही करके दिखा दूंगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी. जी बिल्कुल, वो भी इंडस्ट्री ग्लैमर की ही थी और बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था ग्लैमरस लाइफ में आने का. बचपन में मैं काफ़ी एक्ट्रेस और सब एक्ट्रेस से इंप्रेस थी, इंस्पायर थी. तो मैंने तब से ही सोच रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं. जी हाँ, मैंने छोटी सी कोशिश की है और मैं यहाँ तक पहुँची. एज एन एक्टर आपका जो एल्बम भी आने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का एल्बम होगा और क्या किरदार होगा, किस बारे में होगा ये एल्बम? जी हाँ बिल्कुल, एक एल्बम सॉन्ग आने वाला है और किरदार उसमें काफ़ी चुलबुला है. जो आजकल की गर्ल्स होती हैं, डिमांडिंग होती हैं, तो उसमें भी उसकी काफ़ी डिमांड्स हैं, जिसमें से एक डिमांड है ज्वेलरी को लेके, रिंग को लेके. तो एक रिंग की डिमांड कर रही है एक लड़की. बस म्यूज़िक ओमकार जी का है और तरन्नुम जी ने उसको गाया है सॉन्ग को. हाँ, बहुत यादें हैं दिवाली की, जितनी बता सकूँ कम होंगी. आप सबकी तरह मैंने बहुत पटाखे फोड़े हैं, दिए जलाए हैं, फुलझड़ियाँ जलाई हैं. बचपन में बहुत दिवाली सेलिब्रेशन हुआ है, बीच बीच में जैसे कि स्टडी के लिए बाहर थे, थोड़ा कम हो जाता था, जा नहीं पाते थे घर पे. लेकिन आई होप इस बार भी जा पाऊँ घर. तो सेलिब्रेशन ऑब्वियसली फैमिली के साथ अच्छा ही होता है. हाँ बिल्कुल, पटाखे कम फोड़िएगा. वैसे भी मोदी जी सफाई अभियान चला रहे हैं, सो पटाखे कम फोड़िए, जिससे हमारा प्रदूषण भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए. जो पैसा पटाखों में इन्वेस्ट करते हैं, वो गरीबों की हेल्प कीजिए, ताकि उनको खाना दीजिए. उस दिन आपकी दिवाली ऐसी मन जाएगी.